आम आदमी पार्टी किसान उन्होंने अंदोलन के समर्थन 21 मार्च को पंजाब किसान महासभा आयोजित करेगी। पंजाब बाघा बराणा आयोजित होने वाले सम्मेलन में दिल्ली के मुख्यमंत्री आप के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल संबोधन करेंगे। आप के सूबा प्रधान भगवंत मान ने यह ऐलान किया। इस समय विरोधी धर नेता हरपाल सिंह चीमा पार्टी के पंजाब इंचार्ज जरनैल सिंह सह इंचार्ज राघव चड्डा भी मौजूद सन। आप आगू ने कहा कि बाघा पुराणा विखे किसान महासम्मेलन में सूबे भर तो वड्डी गिणती आम आदमी पार्टी के वलंटियर समेत वड्डी गिणती लोग शमूलियत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस महासम्मेलन का मकसद होगा कि केंद्र की मोदी सरकार को सुनेहा दिता जाएगा कि वह हंकारी ना बने किसानों लिया गए काले कानून तुरंत रद्द करे। उन्होंने कहा कि रैली दैयारियां शुरू कर दी गई ने। इस समय दौरान पंजाब पार्टी को मजबूत करते हुए रवायती पार्टी का पर्दाफाश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस अकाली दल और भाजपा ने पंजाब के किसानों बर्बाद करने काम किया है। किसानों की भलाई का कुछ नहीं किया। हुण लोगों को सिर्फ आम आदमी पार्टी तो ही उम्मीद दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पहले दिन तो ही किसानों के समर्थन में डटी हुई है। पार्टी वालों किसानों वालों दिए गए हर सदे का समर्थन करते हुए किसान संघर्ष की पूरी हमायत की गई है। आप आगू ने कहा कि किसानों के पक्ष में लोहड़ी मनाई और केंद्रीय खेती कानूनों कापियां साड़ी गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली विधानसभा का एक विशेष सैशन बुलाया और केंद्रीय खेती कानून कापियां पाड़ के मोदी सरकार के फैसले का विरोध किया। आप संसद मैंबर भगवंत मान और संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने काले खेती कानूनों का विरोध किया। इस अलावा जब किसान दिल्ली दीमावान से पहुंचे तो कड़ाके की ठंड में अंदोलन करते किसानों दिल्ली की केजरीवाल सरकार वालों दिन रात सेवादार वजों सेवा करदे हर संभव मदद की गई। अरविंद केजरीवाल के दिशा निर्देशों से पीने वाले पानी पखाने गर्म पानी लंगर से होर कई सेवावान का प्रबंध किया गया। आपकी दिल्ली सरकार वालों दी जा रही सहूलतों के प्रबंधन देखने खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दो बार दौरा कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी किसानों उन्होंने अंदोलन के समर्थन में 21 मार्च को पंजाब किसान महासभा आयोजित करेगी। पंजाब बाघा बराणा आयोजित होने वाले सम्मेलन में दिल्ली के मुख्यमंत्री आप के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल संबोधन करेंगे। आप के सूबा प्रधान भगवंत मान ने यह ऐलान किया। इस समय विरोधी धर नेता हरपाल सिंह चीमा पार्टी के पंजाब इंचार्ज जरनैल सिंह सह इंचार्ज राघव चड्डा भी मौजूद सन। आप आगू ने कहा कि बाघा पुराणा विखे किसान महासम्मेलन में सूबे भर तो वड्डी गिणती आम आदमी पार्टी के वलंटियर समेत वड्डी गिणती लोग शमूलियत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस महासम्मेलन का मकसद होगा कि केंद्र की मोदी सरकार को सुनेहा दिता जाएगा कि वह हंकारी ना बने किसानों लिया गए काले कानून तुरंत रद्द करे। उन्होंने कहा कि रैली दैयारियां शुरू कर दी गई ने। इस समय दौरान पंजाब पार्टी को मजबूत करते हुए रवायती पार्टी का पर्दाफाश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस अकाली दल और भाजपा ने पंजाब के किसानों बर्बाद करने काम किया है। किसानों की भलाई का कुछ नहीं किया। हुण लोगों को सिर्फ आम आदमी पार्टी तो ही उम्मीद दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पहले दिन तो ही किसानों के समर्थन में डटी हुई है। पार्टी वालों किसानों वालों दिए गए हर सदे का समर्थन करते हुए किसान संघर्ष की पूरी हमायत की गई है। आप आगू ने कहा कि किसानों के पक्ष में लोहड़ी मनाई और केंद्रीय खेती कानूनों कापियां साड़ी गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली विधानसभा का एक विशेष सैशन बुलाया और केंद्रीय खेती कानून कापियां पाड़ के मोदी सरकार के फैसले का विरोध किया। आप संसद मैंबर भगवंत मान और संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने काले खेती कानूनों का विरोध किया। इस अलावा जब किसान दिल्ली दीमावान से पहुंचे तो कड़ाके की ठंड में अंदोलन करते किसानों दिल्ली की केजरीवाल सरकार वालों दिन रात सेवादार वजों सेवा करद हर संभव मदद की गई। अरविंद केजरीवाल के दिशा निर्देशों से पीने वाले पानी पखाने गर्म पानी लंगर से होर कई सेवावान का प्रबंध किया गया। आपकी दिल्ली सरकार वालों दी जा रही सहूलतों के प्रबंधन देखने खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दो बार दौरा कर चुके हैं।